जय हिंद, जय जवान, जय किसान। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव और तेज बहादुर जी का नमस्कार। जय हिंद। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पुलिसिया गुंडई चल रही है, लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है फर्जी। आपने देखा होगा कि झांसी में किस तरीके से एक फौजी के भाई का इनकाउंटर करके मार दिया गया। वो इनकाउंटर नहीं था, वह एक हत्या थी। उस हत्या में आपने देखा होगा कि हमारे भाई फौजी तेज बहादुर और हम दोनों यहां से चल करके झांसी के अंदर पहुंचे थे, एक फौजी की लड़ाई लड़ने के लिए, एक किसान के बेटे की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन वहां जाकर के आपने देखा होगा कि हम लोगों की लड़ाई को रोकने का सरकार ने पूरी कोशिश की थी। तेज बहादुर जी को, उनके जितने भी समर्थक थे, उनको पकड़ करके जेल के अंदर ठूसने का काम किया था। और जब वो जेल के अंदर पहुंचे थे तो हमने देखा था कि हरियाणा में जहां से करनाल से तेज बहादुर जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां जो सीएम खट्टर जी हैं, जब वो अपना प्रचार करने निकले तो उन्होंने वहां सैनिकों का अपमान किया। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो यह कहा करती है कि हम राष्ट्रवाद की परिभाषा एक लोगों को बताने का काम करती है, पाकिस्तान का डर दिखाने का काम करती है, और ये कहते हैं कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। इनका राष्ट्रवाद यही है कि जब सैनिकों को गोली से मरवाने का काम करते हैं और उनकी लाशें जब घर पे पहुंचती है तो वहां ये आंसू, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। लेकिन जब एक सैनिक अपने हक और अधिकार की बात करता है और जब किसान अपने हक और अधिकार की बात करता है तो उसके ऊपर पुलिस से गोली चलवाने का काम करते हैं। यही तेज बहादुर फौजी जब करनाल, जब बनारस में चुनाव लड़ने का काम किया तो इन्होंने अपना नाकामियों के कारण इनका पर्चा रद्द कराने का काम किया, जिसका स्टिंग ऑपरेशन में पूरी तरीके से खुलासा हो गया कि किस तरीके से इनको बनारस से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। तेज बहादुर जी मोदी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने गए थे, वह देश को एक संदेश देने के लिए वो चुनाव लड़ने गए थे। बाकी वो वहां नेता बनने की कोशिश नहीं करने गए थे और न तो उनको सांसद बनने की ख्वाहिश थी। वही हाल यहाँ हरियाणा में उन्होंने किया। अगर खट्टर के खिलाफ वो चुनाव लड़ने आए तो हरियाणा के अंदर अपनी जाबाजी और बहादुरी को दिखाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने सैनिकों के हक की लड़ाई लड़ने का काम किया। उन्होंने एक संदेश दिया कि जो देश का एक सैनिक होता है, देश का जो किसान होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री को हिलाने का काम करता है। लेकिन वो अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा क्या, उन्होंने किसान और जवान दोनों का अपमान किया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी एक फौजी को ले आके खड़ा कर दिया है मैदान में। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि फौजी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दो गली राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए इनका पूरा इतिहास उठा करके कि क्या ये अपने पार्टी से कभी किसी फौजी को चुनाव लड़ाने का काम किया था, कभी इन्होंने किसी फौजी को टिकट नहीं दिया। लेकिन धन्य है जो कि हरियाणा ही नहीं पूरे देश के मसीहा माने जाते हैं, देवी लाल जी, जो कि किसानों के नेता हैं, किसानों के हितैषी हैं। संसद के अंदर जब वो पहुंचे थे तो देश के किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया था। लेकिन उनके वंशज के लोग, जिनके रगों में देवी लाल का खून दौड़ता है, उन्होंने एक फौजी को टिकट देने का काम किया कि जो देश का फौजी है, अगर वह सीमा की रखवाली कर सकता है, सरहद की रखवाली कर सकता है, वो क्योंकि किसान का बेटा है, तो उनके वंशजों ने एक किसान के बेटे को सरहद पर रहने वाले जवान को टिकट देने का काम किया। लेकिन यह खट्टर जी जैसे लोगों को, इन संघियों को नागवार गुजर रहा है कि एक किसान का बेटा और एक फौज पर रहने वाला, सरहद पर रहने वाला व्यक्ति चुनाव क्यों लड़ रहा है। लेकिन एक बात तो है कि कम से कम इतना तो है कि ये जो अरबपति और खरबपति सत्ता के लोग जो ये चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर, जो किसानों और मजदूरों को जाने का रास्ता बंद करते हैं, खट्टर जी की नींदें उड़ चुकी हैं तेज बहादुर जी के नामांकन यहां कराने से। उनको सपने में भी तेज बहादुर दिखाई देते हैं, इसीलिए उन्होंने फौजियों के खिलाफ उलूल जुलूल बयान देने का काम करते हैं। तो मैं सभी देश के नौजवानों से यह कहना चाहता हूं कि अगर एक किसान का बेटा और सरहद पर रहने वाला जो सीमा का जवान है, अगर वो चुनाव लड़के और चुनाव जीत के अगर विधानसभा और संसद के अंदर जाएगा तो वह किसानों के लिए और मजदूरों के लिए और सरहद पर रहने वाले जवानों के लिए काम करेगा।
मैं इस लाइव के माध्यम से आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि आज तक जो सेना के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आज जो पैरामिलिट्री के लोग हैं, सेना में जो है कि पाकिस्तानी गोलियों का शिकार होने का काम करते हैं या शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को आज उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर पैरा मिलिट्री के लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है तो इन संसद के अंदर जो रहने वाले जाने वाले लोग हैं, जो कि सांसद और विधायक हैं, इनको पेंशन क्यों दी जाती है, इनको कैंटीनों की सुविधाएं फ्री में क्यों दी जाती है, इनको हवाई टिकट फ्री में क्यों दिया जाता है? ये अरबपति लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो इनको इन चीजों की जरूरत क्या है? अगर जरूरत है तो जो हमारे सेना में मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के लोग हैं, जो माइनस डिग्री टेम्परेचर में सरहद पे रह करके सीमा की रखवाली करते हैं, इन भारत माँ भारती के लाल जो है, इनको पेंशन मिलनी चाहिए, इनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बाकी जो ये गद्दार लोग हैं जो संसद के अंदर बैठे हैं, इसमें 99% गद्दार हैं। मैं एक पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि संसद के अंदर जो बैठे लोग हैं, 99% लोग गद्दार हैं। एक किसानों के साथ गद्दारी करते हैं, देश के जवानों के साथ गद्दारी करते हैं और नौजवानों के साथ गद्दारी करते हैं। लेकिन हम खुला चैलेंज करते हैं इन गद्दारों को कि अगर किसानों पर तुम गोलियां चलवाओगे और सरहद के जवानों के साथ अगर अन्याय करोगे, तो हम लोग किसान के बेटे हैं, जिस तरीके से अपनी दराती लेकर के फसल को जड़ से काटने का काम करते हैं, उस तरीके से देशद्रोही और गद्दारों की गर्दन भी काटने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी माध्यम से मैं देश के युवाओं से और देश के नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि तेज बहादुर जैसे लोगों को, किसान के बेटों को विधानसभा और संसद के अंदर पहुंचाना चाहिए, ताकि जो सरकार की नींद अभी जो संसद के अंदर और विधानसभा के अंदर तेज बहादुर नहीं पहुंचे हैं, तब से उनकी नींद उड़ गई है, और जिस दिन अगर ये विधानसभाओं के अंदर पहुंच जाएंगे तो इनकी जो नींदें हैं वो हराम हो जाएंगी। इसी माध्यम से मैं अपने बड़े भाई तेज बहादुर जी से कहना चाहता हूं कि वो जो देश के नौजवान हैं और पैरा मिलिट्री के लोग हैं जिनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है अब तक, उनको पेंशन बंद कर दी गई है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी साथियों को जय हिंद, जय जवान, जय किसान। साथियों, जेजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो अगर दी आप पढ़ेंगे, मैनिफेस्टो के अंदर इतिहास में पहली बार फर्स्ट पेज पे ही सबसे पहले अर्धसैनिक बलों की फैसिलिटी, उनको जो विधवाएं हैं उनको 1 करोड़ रुपया, और हरियाणा के अंदर उनको शहीद का दर्जा, उनके परिवार को 1 व्यक्ति को नौकरी, हर राजनीतिक क्षेत्र में चाहे वो सरपंची के हों, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, पार्टी की तरफ से 2.5% का आरक्षण, और उनके लिए कैंटीन, जितने भी पैरामिलिट्री के जवानों की आज तक जो मांगे थी जो केंद्र सरकार ने नहीं दी, जेजेपी पार्टी की तरफ से वो घोषणा पत्र में शामिल किया गया। अगर दी हमारी सरकार आती है तो हरियाणा के जितने भी कर्मचारी हैं उनको दोबारा पेंशन भी लागू की जाएगी। ये तमाम मुद्दे मैनिफेस्टो में शामिल किए गए हैं। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप करनाल पहुंचे। ये लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई है, करप्शन की लड़ाई है, आपके सहयोग से, आपके सभी के आशीर्वाद से लड़ाई की जीत होगी। इसलिए अनुरोध है बार बार कि ज्यादा से ज्यादा आप करनाल आइए और हमारा सहयोग कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मैं खास करके अपने यूपी और बिहार के जितने नौजवान हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को कम से कम 10-10 ग्रुपों में शेयर करिए और इसको मैसेज पहुंचाने का काम करिए पूरे भारत के कोने कोने तक, क्योंकि तेज बहादुर जी एक ऐसे जवान हैं, ऐसे जाबाज सिपाही हैं जो हरियाणा के लिए नहीं, अगर यूपी में अगर किसी के साथ अगर नरसंहार होता है या कोई आपदा आती है या प्रताड़ित किए जाते हैं तो यूपी और बिहार तक पहुंचने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, चाहे वो झांसी रहा हो और चाहे बिहार रहा हो, तेज बहादुर जी हर जगह पहुँचने का काम करते हैं, क्योंकि ये माँ भारती के लाल हैं, ये हमेशा सीमा की सुरक्षा करने का काम किया है। वो कभी वेस्ट बंगाल तो कभी गंगटोक तो कभी आसाम तो कभी जम्मू तो कभी जो है छत्तीसगढ़, हर स्टेटों में जा जा करके वहाँ के लोगों का दर्द देखा है, वहाँ के लोगों की पीड़ा देखा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के जो क्रांतिकारी नौजवान साथी हैं, जिनके रगों में सरदार भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, आज़ाद और बोस का खून दौड़ रहा है, वो लोग इनकी मदद करें और वीडियो को शेयर करें, और जिनके रगों में गोड़से का खून दौड़ रहा है,
जो गोडसेवादी हैं, जो ये मानते हैं कि अपने आदर्श गोडसे को मानते हैं, अपने घरों में जो गोडसे को पूजा करते हैं, ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि उनकी खैर नहीं है, वो तो तेज बहादुर जैसे नौजवानों को देखना नहीं चाहते हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा कि अपने घरों में बैठ जाएं, क्योंकि अगर वो लाइव वीडियो देखेंगे तो शायद उनकी बीपी बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोडसेवादियों को कि अगर तुम देश के साथ अन्याय करोगे, किसानों के साथ अन्याय करोगे, तो हम किसान और नौजवान मिलकर के हम हथियार भी चलाना जानते हैं, क्योंकि अगर किसानों के पास हथियार होता है तो वह दराती होती है। जिस तरीके से हम फसल काटते हैं, अगर तुम देश को नुकसान पहुंचाओगे तो हम तुम्हारी गर्दन भी काटने से पीछे नहीं हटेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।